इसे वैकल्पिक लागत भी कहा जाता है। रेखा चित्र के माध्यम से हम दिखा सकते हैं इसको कि किस तरीके से जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी आती है। मान लो हम डायग्राम के माध्यम से दो वस्तुएं हैं, ये हमारी एक्स कम्युनिटी है, एक्स कम्युनिटी है मान लो, और ये हमारी वाई कम्युनिटी। इस बिंदु के हम वाई का इतना उत्पादन करेंगे, एक्स की इतनी उत्पादन करेंगे हम, एक्स का उत्पादन हम बढ़ाएंगे तो वाई का उत्पादन हमें कम करना पड़ेगा। क्या इस प्रकार से ये अवसर लागत का सिद्धांत है। फिर है आपका आर्थिक लागत। आर्थिक लागत के अंतर्गत लेखाकरण लागत एवं स्वयं स्वामित्व एवं स्वयं प्रयोग साधनों की लागतों को शामिल किया जाता है। आर्थिक लागत की परिभाषा उन मौद्रिक भुगतानों से है जो एक फर्म द्वारा उन बाहरी व्यक्तियों को जो साधनों की पूर्ति करते हैं अवश्य दिए जाने चाहिए के रूप में, तथा स्वयं स्वामित्व एवं स्वयं प्रयोग साधनों की उस त्यागी गई आय जो कि वे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकते थे के रूप में की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये हमारा आर्थिक लागत है। फिर है निजी लागत। निजी लागत वह लागत होती है जो एक फर्म को किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए खर्च करनी पड़ती है। इसमें स्पष्ट लागत तथा निहित लागत दोनों ही शामिल होती है। फिर हम स्पष्ट लागतें भी हैं जो वे नगद भुगतान हैं जो फर्म द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए किए जाते हैं। सामाजिक लागत। सामाजिक लागत वह लागत है जो किसी आर्थिक क्रिया के लिए सारे समाज को चुकानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं उत्पादन हो रहा है, उत्पादनकर्ता को तो लाभ हो रहा है, लेकिन वहाँ फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है तो आसपास के लोगों की जो हेल्थ प्रॉब्लम आती है, इस प्रकार से वो एक पर्यावरण प्रदूषण हुआ तो वो एक प्रकार से सामाजिक लागत। तो इस प्रकार से हमने आज के इस व्याख्यान में विभिन्न प्रकार की लागतों के बारे में बात की। धन्यवाद।